मैटिनी शो इज ब्रॉट टू यू बाय लिवोजन टॉनिक। थकान और कमजोरी से दे आजादी। इतनी थकान, मैराथन भाग रहे हो? मैराथन? अरे मैं तो रोज ऐसे ही थकी रहती हूँ। थकान और कमजोरी खून में आयरन की कमी के लक्षण हैं। लीजिए लिवोजन टॉनिक। इसमें है ऑर्गेनिक आयरन और कई ऐसे तत्व जो दें थकान से आजादी। नमस्ते, मेरा नाम है हर्षिता और आप देख रहे हैं दी लल्लन टॉप पर। आज मैं किया है मेरा फौजी कॉलिंग की टीम की कास्ट और साथ ही डायरेक्टर और प्रोड्यूसर ने। तो आप सभी का हमारे शो पर बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। मेरा पहला क्वेश्चन आप सभी से है, ट्रेलर को इतना अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है, आप सब की अब एक्सपेक्टेशंस कितनी बढ़ गई हैं? मतलब रिलीज को लेकर क्या जोश है आप सबके अंदर? अभी हरियाणा में हाल ही में चंडीगढ़ में हमारा शो हुआ है, पहला सुबह का प्रीमियर शो ही मान लीजिए। चीफ मिनिस्टर ऑफ हरियाणा मिस्टर एम एल खट्टर, ऑनरेबल श्री एम एल खट्टर, ही वाज एट दिस प्रीव्यू अलोंग विद इंद्रेश जी, he's the RSS head, and they along with their friends and families and a lot of MLAs from Khattar Saab's cabinet, and they all loved them. So abhi trailer se baat thodi aage badh gayi hai, and we are all very excited by the response that we've gotten. And Ranjay, what was Khattar Saab saying about Khattar Saab, the honorable minister? जितने भी हमारे राज्य है कम से कम जो स्टेट है वहाँ ये टैक्स फ्री होनी चाहिए। ऑलरेडी हरियाणा टैक्स फ्री कर दिया सर ने। ही प्रेज द मूवी, ही रिमेम्बर एवरी कैरेक्टर नेम, शर्मा कैरेक्टर का नाम, मेरा नाम, निता, बच्ची, कहते बच्ची तो इस पिक्चर की सुपर स्टार है, कहते आप लोग तो हेल्प कर रहे हो बच्ची को सब, जस्ट फॉर इट सेल्फ। And he remembered the dialogue and scenes. कहते यार क्या पिक्चर, and even had tears in his eyes many times while watching the movie. So we are highly obliged हम लोग, हमारी पूरी टीम फौजी कॉलिंग की, सर ने हमें इतना प्यार दिया और दिल से फिल्म की बहुत तारीफ की। अब ये जो मूवी है इसके ट्रेलर को देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लॉन्च किया, फिर दिल्ली में सीएम केजरीवाल ने इसे टैक्स फ्री किया, और अभी आपने बताया कि हरियाणा में भी ये टैक्स फ्री हो गई है। ये कॉमन बात तो नहीं, मतलब हर मूवी के साथ ऐसा नहीं होता, तो आप सबको कैसा लग रहा है? मतलब मूवी बनाते में सोचा था ये कि ऐसा होने वाला है? नहीं, आरिन ने सोचा होगा। नहीं, राइटर डायरेक्टर बताइए सर। हाँ बताइए। मैंने ये नहीं सोचा था कि फिल्म इतनी जल्दी मतलब ये सब हो जाएगा, लेकिन कहीं ना मैं काम कर रहा था तो ये तो मालूम था कि इसको रिकॉग्निशन मिलेगा, लेकिन इसके लिए मैं ईश्वर का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि ईश्वर मेहरबान है हम सब पे, और उसको लग रहा है हम सबने मेहनत की है, हर एक्ट्रेस ने, प्रोड्यूसर ने, एंड तो मैं तो ये बस मानता हूँ। जब मैंने ट्रेलर देखा तो आपके जो रोल की एक झलक मिली वो बहुत ही इमोशनल इंटेंसिटी से भरा हुआ है, तो कितना चैलेंजिंग था आपके लिए रोल करना? काफी चैलेंजिंग था, पर मैं थोड़ा सिंपलीफाइड आंसर देना चाहूंगी। sure. इससे पहले काफी वर्कशॉप हुए शूटिंग में भी हर कदम पे डायरेक्टर गाइड किए, बट जब मैंने अपने आप को मान लिया कि मैं एक फौजी की बीवी हूँ, जब मैंने अपने आप को मान लिया कि मैं एक फौजी के बच्चे की माँ हूँ, तब आसानी से ये सब कुछ हो गया। नहीं तो इससे पहले बहुत लंबा स्ट्रगल था, 3-4 महीने का, जैसे मैंने कहा वर्कशॉप वगैरह, बार बार रीडिंग्स कर रहे थे, शूटिंग के दौरान भी मुश्किलें आ रही थी, बट जिस दिन मैंने अपने आप को ये समझा लिया, आई थिंक ये शूटिंग के सेकंड या थर्ड डे को हुआ, तो उसके बाद से स्मूथ था काफी। ओके, आपने आज तक जितने भी रोल्स किए हैं सबसे ज्यादा कॉम्प्लीमेंट किस रोल के लिए मिला है? ये फिल्म तो आज ही रिलीज हुई है और क्रिटिक्स रिव्यूज आने शुरू हो गए हैं, थैंकफुली काफी अच्छा रिव्यूज मिल रहा है,
इससे पहले मुझे द शोलेगढ़ के लिए काफी अच्छे रिव्यूज मिले थे जो मैंने 2019 में किया था, रेशमा पठान जी की बायोपिक थी, बट इसमें आई होप कि और भी प्यार मिले और लोग मुझे थोड़ा अलग नजर से देखें कि मैं ऐसा रोल भी कर सकती हूँ। ओके, शर्मन, रांझा, रिता, अगर आप तीनों से ही बात करें तो इस मूवी से जुड़ना कैसे, मतलब क्या रिएक्शन था जब आप लोगों ने स्क्रिप्ट पढ़ी? पहले आप बताइए। पढ़ने पे बहुत अच्छी लगी, आर्यन ने बहुत ही सेंसिटिविटी से पूरे सब्जेक्ट को हैंडल किया और इमेंस मैच्योरिटी के साथ भी। द वे द फिल्म इवेंचुअली एंड्स इज अ वेरी मैच्योर अप्रोच टू इट एंड इट इज I think I watched it today in a theater with the full Dolby sound and the DCB print and all that, and it really left an impact. I don't want to get up from the theater, go out and do interviews. I just refuse to get up and leave my seat. That's for me, and otherwise I already told you that some reactions on the chat, but coming back to this script, what do you feel? जब हमारे राइटर आरिज सेना ने डायरेक्ट किया था, मैंने रांझा फौजी का रोल करना है, मैं वहीं पे हाल करती, मैं कहानी सुनी नहीं, मैं फौजी और वर्दी पहनूंगा, मैं ये तो नहीं ना सस्पेंडेड फौजी तो नहीं है, कहता नहीं वर्दी और मैं करूंगा फिर, अब कहानी बताइए। तो फिर कहानी बताई, इतनी इमोशनल स्टोरी थी, तो मैं जल्दी एक्शन फिल्म में पसंद भी करता हूँ करना खुद ही, मगर ये फिल्म मेरे लिए एक एक्सपीरियंस रहा है, एक इमोशनल फिल्म का हिस्सा बना, मैंने कभी की नहीं ऐसी फिल्म, कितनी भी लैंग्वेज में फिल्म मैंने पहले की, सो इट्स अ फैंटास्टिक अप्रोच गिवन ऑन द स्क्रीन बाय आरिज सक्सेना, बहुत अच्छा मतलब उसको दर्शाया गया है। आज हमने देखा, एक साथ ही देखा, मैंने भी एक्चुअली पर्दे में आज ही प्रॉपरली देखा है जो प्रेम मेरे खट्टर साहब का था, तो बहुत ही अच्छी लग रही है फिल्म और हर चीज, इट्स नॉट बिकॉज अवर फिल्म, वी ऑल टॉक लाइक दैट, अच्छी लग रही है, इट्स नाइस फील गुड फिल्म एंड ये परिवार के साथ देखने लाइक फिल्म विद ऑल फैमिली। विदिता, आपका क्या रिएक्शन था? मैं तो अभी मुंबई में हूँ, मैं आज शाम को देखूंगी, फिलहाल तो क्रिटिक से रिव्यूज अच्छा ही मिल रहा है, मैंने कुछ पोर्शंस देखे हैं इसके डबिंग करते वक्त, पूरी फिल्म मैंने नहीं देखी है, और दिल्ली में आर्मी लोगों के लिए, आर्मी ऑफिसर्स के लिए जो स्क्रीनिंग हुई थी उसमें मैंने लास्ट के 10 मिनट्स देखे थे, उसमें तो काफी ओवरवेलमिंग रिस्पांस था, सब लोग फिल्म देखते वक्त मतलब फिल्म के फ्लो के साथ हंस रहे थे, रो रहे थे, जो बच्चियां हैं दे स्टार्टेड क्राइंग इन फ्रंट ऑफ कैमरा, एंड आर्मी ऑफिसर्स के जो बीवियां हैं दे वर हगिंग मी, टेकिंग सेल्फीज विद मी, तो वो रिएक्शन तो मुझे मिल चुका है, बट आज मैं शाम को देखने जाऊंगी फन सिनेमाज में, सिनेमा हॉल में जाके पब्लिक का रिस्पॉन्स मुझे देखना था, लेट्स सी, क्वाइट एक्साइटेड। अगर मूवी के फिल्म मेकर से बात करें तो बॉलीवुड में पहले भी ऐसी मूवीज आ चुकी हैं जिनमें फौजियों के संघर्ष की कहानी दिखाई जाती है, तो ये मूवी जिसका नाम मेरा फौजी कॉलिंग है, उन मूवीज से कैसे अलग? बहुत ही आई थिंक इट्स अ मी और एनीवन, आप दोनों में से कोई भी, मैं ये बोलना चाहूंगा कि पहली बात तो ये है, ये फिल्म फौजियों के शौर्य की नहीं बल्कि उनके परिवारों के धैर्य की बात करती है। Okay. कोई शक नहीं, आपने पहले बहुत सी फिल्में देखी हैं जो आर्मी बैकड्रॉप पे है जिनमें वॉर आपको दिखाया गया है, राइट, बैटलफील्ड में, ओके, या एक सोल्जर की दिखाई गई है, लेकिन ये फिल्म एक सोल्जर, ये फिल्म बोलती है कि जब एक सोल्जर एक सड़क पर होता है उसके बाद उसका परिवार किन हालातों से गुजरता है, कैसे अपनी लाइफ में मूव ऑन करता है, तो मुझे जहां तक मैं मेरी जानकारी में, क्योंकि ये फिल्म का जन्म तब हुआ था जब उरी अटैक हुआ था, उरी अटैक के बाद ही इस फिल्म के बारे में मैंने सोचा किया था, उनके परिवार वालों का दर्द न्यूज में, न्यूज पे आ रहा था, न्यूज चैनल पे चल रहे थे, यू नो, और हम सब पर वक्त के साथ देखा कि लोग मूव ऑन कर गए, लेकिन मैं वहीं पर रुका रहा और ये सोचना लगा कि क्या उसकी माँ मूव ऑन कर पाई होगी जिसने उसको जन्म दिया, उसके पिता होंगे अपनी लाइफ में जिन्होंने अपने खून पसीना बहाकर अपनी बेटी को पढ़ा लिखा के फौज में भर्ती किया, या उसकी वाइफ जो सपने देखती है क्या वो मूव ऑन कर पाई होगी, या उसकी 6 साल की बच्ची जो हंसुआ उठती है और उसको बोलती है कि मम्मी इस बार पापा आएंगे तो मेरे लिए क्या लेके आएंगे, और क्या देखते हैं सबके दिल पे जब उनको पता चलेगा उनका बेटा या उनका पिता या उनका हस्बैंड इस धरती,
ये कहानी लिखने पर, और उसके बाद ही से फिर ये फिल्म। सच्चाई यही है कि आज भी आप जानते हैं कि आज की तारीख में भी मैं आपको गारंटी से बोलता हूँ कोई ना कोई फौजी बॉर्डर पे शहीद हुआ होगा। वो तो हमें पता चलेगा शाम की न्यूज़ में, लेकिन उसका परिवार क्या करने वाला से ये हमें नहीं पता चलेगा। उसका परिवार क्या करने वाला है फौजी कॉलिंग के जरिए हमको दिखाएंगे। जहां तक मेरा मानना है, इसलिए आपने नहीं देखा फौजियों का दर्द, उन फौजियों का दर्द जो घरों में रहकर यू नो अपने बेटों के लिए, पति के लिए, अपने भाइयों के लिए दुआएं मांगते हैं। फिल्म के जरिए जो एक फौजी परिवार किन हालातों से गुजरता है, अपनी लाइफ में जीते हैं, उनका दर्द ऑडियंस तक पहुंचाऊं, ताकि उनके दिल में सेना के फौजियों सहानुभूति क्रिएट हो और वो सेना के फैमिलीज को यानी आर्मी फैमिलीज को सपोर्ट करें, उनको प्यार करें। जैसे कि अभी आर्यन ने बताया कि ये मूवी फौजियों से ज्यादा उनकी फैमिलीज पर बेस्ड है, तो ओवेस आपको ऐसा क्यों लगा कि इस टाइप के प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाना चाहिए या लोग इससे कनेक्ट कर पाए? सबसे पहला और सबसे अच्छा सवाल ये आपने किया कि जब इवेंट फिल्म प्रोड्यूस करना है तो सब्जेक्ट चूज करना चालू किया मैंने, कहानी सुनना चालू किया, 100 के ऊपर कहानी सुनी, पर मुझे कोई कहानी में ऐसा लग नहीं रहा था कि कोई, जैसा होता है ना कि पहला प्रोजेक्ट हम कर रहे हैं तो बात होना चाहिए सब्जेक्ट जो मुझे रिस्पेक्ट दिलाएगा, जो मुझे एज अ प्रोड्यूसर एक मुकाम दिलाएगा इस इंडस्ट्री में, तो मैंने फर्स्ट बोला था कि ये फिल्म करनी है। ये तरीके से फिल्म शुरुआत हुई है, शर्मन कमिंग बैक टू यू, आपके रोल से फैंस क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? क्या रोल है आपका इस मूवी में, मतलब क्या अलग है उसमें? मैं चाहूंगा फैंस फिल्म से ही कुछ एक्सपेक्ट करें, मेरा रोल तो बाद में आता है। फिल्म पसंद करेंगे तो मेरा रोल ही पसंद करेंगे। अभी क्या कहे, रोल से क्या एक्सपेक्ट करना बहुत मुश्किल है, क्या अलग है वो मैं उनसे गुजारिश करूंगा सभी के सभी प्लीज जाए फिल्म देखे, तब वो खुद ही जान ले पहचान लेंगे कि ये रोल इतना अलग है, मतलब अलग है या नहीं है। मैंने तो मेरा पिछला काम किया उसे कंपेयर करे और वो खुद ही तय करे, और अलग करने के लिए अलग नहीं करता हूँ मैं। वो कहानी अगर कुछ कैरेक्टर बन गया अलग तो अच्छी बात है, नहीं बना अलग जो मैंने किया है सालों से वो भी करते रहना में कोई तकलीफ नहीं हो जाती। क्या बात है रांझा, अगर आपसे बात करें तो रज्जो फौजी से लेकर ये फौजी कॉलिंग कैसे डिस्क्राइब करेंगे आप अपनी अब तक की बॉलीवुड जर्नी? विलेन है यही तो वहां से अभी तक बस इतना इतने सब आ गया ना। जर्नी तो उससे पहले भी कई फिल्में आती थी मेरी, साउथ मूवी आई है, पंजाबी फिल्में आई, हीरो बनती की बात फिल्म थी मैंने उसमें मेन लीड में लाइक पॉजिटिव वॉक्स, एंड अभी जो है फौजी कॉलिंग ये सबसे अनोखा है। ये अगर अब तक की जर्नी देखे तो जैसे मैंने आपको पहले बता दिया कि मैंने अभी तक किसी इतनी इमोशनल फिल्म का हिस्सा मैं अभी तक बना नहीं। मेरी फर्स्ट फिल्म है मेरे करियर में अभी तक 14-15 साल इमोशनल एक स्क्रिप्ट में काम की, जबकि मेरा बहुत हैप्पी गो लकी टाइप का कैरेक्टर दिखाया है, सिविलियन का भी शेड दो तो पब्लिक देख लेगी। तो बट जर्नी हैज बीन फैंटास्टिक, रज्जो फौजी तो एक अच्छी सक्सेस रही, हीरो बनती वॉज अ बिग हिट, और फौजी कॉलिंग आई एम एक्सपेक्टिंग कि ऑडियंस को अच्छा लगे, अलग फौजी देखने को मिले। शर्मन आपने डिजिटल डेब्यू किया था अभी एक मूवी से, फिर उसके बाद आपने पवन एंड पूजा भी किया, अब आपको क्या लगता है कि OTT प्लेटफॉर्म्स की क्या इम्पोर्टेंस है फॉर एस्पायरिंग एक्टर्स या फॉर यू एज एन एक्टर आल्सो? इट्स एन ऐड ऑन टू द एंटरटेनमेंट दैट वी हैव ऑन हैंड राइट नाउ, अपार्ट फ्रॉम सिनेमा एंड टेलीविजन नाउ वी हैव OTT आल्सो, सो देयर इज दैट मच मोर स्कोप फॉर वर्क, एंड आल्सो इन टर्म्स ऑफ द काइंड ऑफ वर्क, बिकॉज़ OTT अलाउज यू अ सर्टेन लेंथ फॉर स्टोरी टेलिंग which the other platforms do not, and that will be the difference and that will be the excitement for the other one. So
जब भी हम किसी फौजी के ऊपर कोई भी मूवी आ रही होती है तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि चेस्ट थम्पिंग होगी, बहुत ज्यादा नारेबाजी होगी, एकदम रस से भरे डायलॉग सुनने को मिलेंगे. और काफी लोग ये भी कहते हैं कि मतलब ये तो एक तरीके से बड़े पर्दे पर देशभक्ति बेचना हुआ, जो कि पहले लोगों ने काफी बोला है. तो आपकी मूवी उन सब चीजों से कैसे अलग है? मतलब इसमें कुछ और अलग देखने को मिलेगा या वही सब नॉर्मल? इसी खासियत ही है कि आपको, आपने जो फिल्मों का जिक्र किया उनमें से कुछ बहुत अच्छी फिल्में भी हैं, मुझे बहुत पसंद है. और बट वो सारी सोल्जर्स और उनकी बहादुरी की कहानी है ज्यादातर. बट किसी ने आज तक एक सोल्जर के परिवार के बारे में कोई कहानी नहीं कही या फिल्म आई. और ये जानना और समझना एज एन ऑडियंस, वी होप टू मेक द ऑडियंस रियलाइज एंड बी मोर सेंसिटिव टू द सैक्रिफाइस दैट अ मार्टर्ड सोल्जर्स फैमिली डज. और एक सोल्जर की जितनी बहादुरी की हम प्रशंसा करते हैं, शायद उतनी ही प्रशंसा हमें एक सोल्जर की फैमिली की बहादुरी की करनी चाहिए. आप सबसे बात करके बहुत अच्छा लगा. जाते जाते एक लास्ट क्वेश्चन, अरे लास्ट क्वेश्चन है. हमने बोला बहुत अच्छा लगा हमने अभी लास्ट क्वेश्चन है कि थिएटर्स खुल गए हैं, व्हाट डू यू पीपल थिंक, कि लोग उसी एंथुसियाज्म के साथ थिएटर्स में जाएंगे या नहीं? सिनेमा इज इररिप्लेसेबल एंड लाइकवाइज टेलीविजन इज एंड सो इज टीवी. लेट्स नॉट डू आइदर और. इंडियंस हैव अ टेंडेंसी कि ये रखेंगे या वो फेंक देंगे. अरे दोनों रखो ना यार, फायदा तुम्हारा ही हो रहा है, सब कुछ एक साथ को एग्जिस्ट होगा. And cinematic experience, going to a movie hall, enjoying your luxurious now cinema theaters you have across the country, it's a different experience. Families have only that much to do. Either go for dinner and then the next option is actually go for a movie. So, yeah. And today's show is also one of the examples. We were expecting ki chalo kitne aayenge. Humare liye bhi ek wo dhara nahi tha ki kitne log aayenge. House full tha. 20-25 log baar khade hue the match. So, matlab people are ready to come in. Okay. They want to watch together. कानों में जाता है ना, तो उसका जो मजा है वो सिनेमा में मिलेगा डेफिनेटली. जल्दी आई थिंक लोग अब जाना शुरू कर दिए हैं और जल्दी देखिए हमारे थिएटर पूरे वापस भर जाएंगे हमेशा की तरह. And I would like to thank our producer of the film, Ubesh Sheikh Ji and Ranja Vikram Singh Ji, because they are very brave. Okay, abhi COVID cases badh rahe hain Maharashtra mein, but they took this plunge. They decided ki hum cinema hall mein hi release karenge. Ye cinema hall ki film hai, cinema hall mein hi log dekhne jayenge. And I request everybody to take follow COVID protocols, mask laga ke jaiye. 100% कैपेसिटी में फ्लाइट चल रही है तो सिनेमा हॉल तो काफी सेफ है, वहां टेम्परेचर चेक वेक भी किया जाएगा, तो यू आर क्वाइट सेफ. एंड इस सिनेमैटिक एक्सपीरियंस को प्लीज मत मिस कीजिए. थिएटर्स को काफी नुकसान हो चुका है पिछले एक साल में, बहुत लोग जॉबलेस हो गए हैं, तो यू मस्ट कम फॉरवर्ड एंड सपोर्ट गुड फिल्म्स. दैट्स व्हाट आई वांटेड टू से. थैंक यू बेनिता. थैंक यू. सो थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस. आप सबसे बात करके बहुत अच्छा लगा. All the best for your movie. Thank you. अब रोज दोपहर 12 बजे लल्लन टॉप लाएगा मैटनी शो, सिनेमा का कंप्लीट शो जहां सनसनी नहीं सेंस होगा. सोमवार बॉलीवुड किस्से, फिल्म और फिल्म वालों की दिलचस्प कहानियां. मंगलवार लल्लन टॉप अड्डा, चौचक बैठ की हेडलाइंस बनाने वाले हीरो हीरोइन डायरेक्टर के साथ. बुधवार कहां गए ये लोग जो कभी स्टार थे, अब लगता है कि गुमनाम है, उनकी खोज खबर. गुरुवार भारत टॉकी, बेस्ट ऑफ रीजनल सिनेमा, क्योंकि हिंदी के बाहर भी जाबड़ फिल्में बनती हैं. शुक्रवार स्पॉटलाइट, हफ्ते की सबसे बड़ी सिनेमा न्यूज के हर एंगल पर फोकस. शनिवार को होगा बरगद, फिल्मों के महारथियों से तसल्ली से लंबी बात सुकून और समझ के साथ.
और रविवार को होगी सिने वेला। वेला यानी कि पीरियड, कक्षा, क्लास। ये क्लास लेंगे लल्लन टॉप के सिनेमा एडिटर गजेंद्र। क्लासिक फिल्मों और सिनेमा पर इसके हर पहलू पर विस्तार से बात होगी। तो रोजाना दोपहर 12 बजे देखिए लल्लन टॉप का मैटनी शो।